बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी रेसिपी है। वो है शुगर सिरप, जो कि हमारे बहुत सारे काम आने वाली रेसिपी है। तो गर्मियों में आप बहुत से ड्रिंक्स में, शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। ये 2 कप चीनी ली मैंने। ये पानी का छींटा पड़ने से थोड़ी गीली हो गई थी, तो मैंने फौरन शुगर सिरप बना लिया ताकि ये ज़ाया ना हो। ये 2 कप चीनी थी, 1/2 कप पानी लूँगी। चीनी पहले भी थोड़ी गीली ही थी, इसलिए थोड़ा ही पानी डालेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे। चीनी मेल्ट हो गई, ये देखें। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल देंगे और 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे ताकि चीनी में जितनी भी मैल वगैरह है वो ऊपर आ जाए। ये देखें, सारी मैल आ गई ऊपर। और ये 1 चुटकी के बराबर नमक डाल देंगे और अब ये मैल सारी एक चाय वाली पोनी वगैरह से उतार लेंगे और सिरप हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा शीशे की तरह। ये देखें, सारी मैल मैंने उतार दी। 1 चुटकी सिट्रिक एसिड यानी टॉटरी ये डाल देंगे ताकि इसमें चीनी वगैरह जमे ना। सिरप रेडी हो गया। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाएगा। किसी भी डिज़र्ट में डालें, लीमू पानी में, शरबत में और बहुत सारी मिठाइयों में भी डाला जाता है। ज़रूर इसको बनाएं। फ्रूट चाट वगैरह, बहुत सारी रेसिपियाँ आसान हो जाती हैं। तो चलें अब इसको छान लेंगे। ये देखें, मैंने इसको छान लिया। ये देखें कितना साफ हो गया, ये ठंडा हो गया। तो फिर इसमें शीशे के जार में डालकर रख लूँगी। पूरा रमज़ान का महीना इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। तो कैसी लगी मेरी ये शुगर सिरप की रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इसको दबाने से मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।